नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट थ्री, टी प्लस एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस एस, करेक्ट। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लेंगे टी और टी को उठा के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से, यानी कि टी इंटू टी स्क्वायर माइनस एस। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है, प्लस एस स्क्वायर। सो प्लस एस स्क्वायर इंटू ये वाला पूरा ब्रैकेट कॉपी करेंगे, यानी कि टी स्क्वायर माइनस एस। ओके आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सो टी जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करेगा, सो टी इंटू टी स्क्वायर। अब देखो टी के आगे कोई साइन नहीं है, नहीं प्लस है, सो प्लस और यहाँ पे माइनस, सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और टी इंटू एस कर देंगे, टी इंटू एस। ओके नाउ यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, सो एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ प्लस है, देखो बात समझो बच्चों, यहाँ प्लस था और टी स्क्वायर के आगे प्लस था, इसलिए प्लस 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 एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ओके अब यहां प्लस है और यहां क्या है, माइनस है, सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और एस स्क्वायर इंटू एस, सो एस स्क्वायर इंटू एस, करेक्ट। आइए इसको सॉल्व करते हैं। नाउ बच्चों ये टी की पावर कितनी आ जाएगा, वन, करेक्ट भाई, टी की पावर कुछ नहीं तो वन मानेंगे और टी की पावर वन इंटू टी स्क्वायर, बेस सेम है, पावर एड, यानी कि टी की पावर क्या आ जाएगा, थ्री माइनस टी इंटू एस टी एस। देखो टी एस लिखो एस टी लिखो बात क्या है, सेम बात समझो, टी एस लिखो एस टी लिखो बात क्या है, सेम है, मतलब टी एस भी लिख सकते हो इसको आप, माइनस एस टी भी आप इसको लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो, फर्क पड़ता नहीं है उससे। प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर को एस स्क्वायर टी स्क्वायर लिखा, माइनस ये एस स्क्वायर है और यहां एस की पावर क्या है, वन है, बेस सेम है, पावर एड, यानी कि एस की पावर थ्री हो जाएगा, करेक्ट। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सो यहां से हो जाएगा बच्चों कितना, टी क्यूब। ओके सो ये कितना आपका टी का क्यूब, माइनस टी इंटू एस लिखो या एस इंटू टी, यानी कि एस टी भी आप इसको लिख सकते हो, एस टी और प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस एस की पावर थ्री। सो दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चों, करेक्ट। अब देखो ये टी क्यूब है और एस क्यूब है ना, तो लाइक टर्म तो है नहीं, ये दोनों भी लाइक टर्म नहीं, ना 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 ना, ये एस स्क्वायर टी स्क्वायर है, ये एस टी, करेक्ट बच्चों। यहाँ पे एस की पावर टू है, लेकिन यहाँ पे एस की पावर कितनी है, कुछ नहीं है, यानी कि वन है। यहाँ पे टी की पावर टू है, यहाँ टी की पावर वन है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, उठा के काट मत देना कि प्लस माइनस माइनस लाइक टर्म्स है तो कट जाएंगे, नो, दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बात और बताना चाहता हूँ, कहीं कहीं आपको आंसर ऐसा दिखाई पड़ सकता है, कैसा, टी क्यू, फिर इन्होंने ले लिया होगा माइनस एस क्यू, ठीक, फिर इन्होंने ले लिया होगा माइनस एस स्क्वायर टी स्क्वायर, सॉरी माइनस नहीं प्लस है ना, प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस एस टी को लास्ट में लिखा होगा। तो चाहे आंसर ऐसा लिखाओ चाहे ऐसा लिखाओ, बात क्या है, सेम है, आप देख लेना एनसीईआरटी में शायद इसी तरीके से दिया हुआ है। ओके प्लीज नोट कर लीजिए।